व्हाट्स अप गाइस, हाउ आर यू, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका इस रेडियो पर। हाँ तो दोस्तों, इस रेडियो का मतलब है फिल्म के रिलीज़ होने से पहले ही आपको बता देना कि वो कौन से चैनल पर आएगी और कब आएगी। इस रेडियो चैनल को आप ट्यून इन हमेशा करके रखिए ताकि आपको जानकारी मिलती रहे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ अपने मन की बात, मन की नहीं मन की बात। देखिए, सीधे सीधे कहना चाहता हूँ कि आज प्रधानमंत्री मन की बात कहने वाले हैं। मैंने कभी नहीं सुना, लेकिन मुझे वो बहुत ही अलग लगता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, लोगों के सवालों का जवाब नहीं देते, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। पुराने वादों का क्या हुआ उसके बारे में कोई नहीं कहता, सिर्फ न्यूज़ चैनल वाले आपको ये बताकर मतलब आपको ब्रेन वॉश कर देते हैं कि भारत की छवि पूरे विश्व में इनकी वजह से बनी है। क्या किया है आप उन न्यूज़ चैनल से पूछिए कि क्या किया है। देखिए देखिए मतलब सुनिए कि प्रधानमंत्री मन की बात नहीं मन की बात करने वाले हैं, और मैं आपसे अपने मन की बात करने वाला हूँ, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करने वाला हूँ कि आप आज तक ABP न्यूज़, DD न्यूज़, इंडिया TV, न्यूज़ नेशन, न्यूज़ 24, रिपब्लिक TV और जी न्यूज़ जैसे चैनल्स मत देखिए, क्योंकि इन सबको BJP ने खरीद लिया है और ये उनके खिलाफ कुछ भी नहीं बोलेंगे, उनको हीरो साबित करके ही वो रहेंगे, मतलब हीरो साबित करने की कोशिश करेंगे एक उनके तरीके से। आप मेरी बातों पर विश्वास मत कीजिए, आप उन चैनल्स पर ऑब्ज़र्व कीजिए कि वो कैसे बातें करते हैं BJP और बाकी पार्टीज़ के बारे में, शायद आप समझ जाएंगे। हो सकता है कि आप नहीं देखते हो, तो कोई तो होगा कि जो देखता है, उसे आप समझाइए कि क्या है ये सारे न्यूज़ चैनल्स, क्या करते हैं। एक तरफ महागठबंधन होता है तो उसको क्या नाम देते हैं कि डर के मारे वो आ गए हैं, और इनको ऐसे बताते कि मानो ये अकेले खड़े हैं, लेकिन ऐसी बात तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि इनके पास बहुत बड़ी महागठबंधन है। मुझे पता है आपको मूवीज़ में इंटरेस्ट है, इसी वजह से आप इस चैनल पर हो, या फिर इसके बारे में आपने सर्च किया इसकी वजह से आप यहाँ आए हो। लेकिन हमारा सबका कर्तव्य बनता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम झूठी चीज़ों को हम सच्चा ना माने, और जो ख़ास तौर पर BJP के द्वारा या फिर उन चैनल्स के द्वारा जो बताया जाता है। वैसे मैं कह दूँ कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सब एक ही है, ABC, आप, BJP और कांग्रेस, मुझे सब एक ही जैसे लगते हैं, भ्रष्टाचारी लगते हैं, क्योंकि अगर वो ना होते तो उनकी छवि बहुत ही बढ़िया बनती, अच्छी बनती, लेकिन भ्रष्टाचार तो उनको करना ही है। फिर से आप मेरे बातों पर गौर कीजिए, आप जिन्हें भी जानते हो जो देखते हैं इन चैनल्स को, आप उनको ये समझाए या फिर ऑब्जर्व करने के लिए कहिए कि वो चैनल वाले किस तरह से प्रस्तुत करते हैं खबरों को। अमित शाह ने कहा था कि वो जो रैली हुई थी कोलकाता में, उसमें वंदे मातरम भी उन्होंने नहीं कहा था। मतलब ये क्या है, ये कैसे कैसे पॉइंट्स ढूंढ के निकाल रहे हैं और कह रहे कि वो ये नहीं कहते, वो नहीं कहते, इसका क्या मतलब निकलता है। ये तो बहुत ही कुछ भी हो, लेकिन सच्ची में वहाँ पे वंदे मातरम कहा गया था, और अमित शाह ने क्या कहा, नहीं कहा। अब ये क्या है, और न्यूज़ चैनल्स वालों ने कुछ भी नहीं दिखाया, तो ये बात है दोस्तों। आपको मेरा वीडियो शायद ही अच्छा ना लगे, लेकिन आप खुद या फिर जो देखते हैं उनको आप ऑब्ज़र्व करने के लिए कहिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया, मतलब इस ऑडियो को सुनने के लिए।